नोएडा में बिल्डरों ने जितनी मनमानी की है शायद ही देश में ऐसी लापरवाही कहीं देखने को मिलेगी। बिल्डर लॉबी प्राधिकरण पर भारी है, इसकी वजह से होम बायर्स की शिकायत पर प्राधिकरण कोई एक्शन नहीं ले पाता। प्राधिकरण की शह पर बिल्डर निवेशकों को लूट रहे हैं और खुद की झोली लगातार भरते जा रहे हैं। बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नोएडा प्राधिकरण में पोजीशन मिलना आम बात है। यही नहीं, बिना फ्लैट की रजिस्ट्री किए ही बिल्डर धड़ल्ले से चाबी सौंप दे रहे हैं, जो कि नियम के खिलाफ है। और इससे एक तरफ सरकारी खजाने का अरबों का चूना भी लग रहा है, वहीं प्राधिकरण के राजस्व को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्डर लॉबी के दबाव और लालच में प्राधिकरण लापरवाह हो चुका है। बिल्डरों और प्राधिकरण में अपनी सहूलियत के हिसाब से कर्मचारी छोड़ रखे हैं। तमाम आरोपों और शिकायतों के बीच सीईओ आलोक टंडन प्राधिकरण के काम करने का ढर्रा नहीं बदल पाए हैं और न ही बिल्डरों की लॉबी पर लगाम लगा पाए हैं। होम बायर्स मजबूरी में अधूरे प्रोजेक्ट में ही रहने को मजबूर हैं। प्रोजेक्ट में जितनी सुविधाएं दिखाई जाती हैं, बिल्डर पैसे लेकर भी उतनी सुविधाओं को हजम नहीं करता। प्राधिकरण अपनी इन्हीं करतूत की वजह से घाटे में जा रहा है और नोएडा के कंगाल बिल्डर लगातार मालामाल हो रहे हैं। संवाददाता दानिश इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर है। दानिश, लगातार हम देख रहे हैं प्राधिकरण को घाटा हो रहा है, सरकारी राजस्व को घाटा हो रहा है, बिना कंप्लीशन के फ्लैट दिए जा रहे हैं, रजिस्ट्री भी नहीं कराई जा रही है। आखिर क्या वजह है, ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? देखिए, बहुत से ऐसे अफसर हैं नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की, जो तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं लेकिन नौकरी बिल्डरों की करते हैं, और यही इन्हीं अफसरों की वजह से घाटा सरकार को भी हो रहा है, प्राधिकरण को भी हो रहा है। तो धड़ल्ले से खुलेआम जो है बिना कंपनसेशन सर्टिफिकेट लिए जो बायर्स हैं उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं, उनको पोजीशन दिया जा रहा है, जबकि किसी भी विभाग की एनओसी नहीं ली गई है, ना ही कंपनसेशन सर्टिफिकेट लिया गया है, ना ही रजिस्ट्री कराई गई है। जबकि जो एनओसी ली जाती है, जो कंपनसेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसका अर्थ यही होता है कि सुरक्षा के सारे मानकों को पूरा करके जो है फ्लैट बनाया गया है, इसमें किसी की भी जान को खतरा नहीं है। यहाँ पर हजारों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बायर परेशान है, सड़कों पर हैं, लिहाजा वो ईएमआई दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो वो लोग तो मकान ले लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो अफसरों की होती है कि जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट न हो जाए तब तक परेशान नहीं दिया जाना चाहिए, पूरी तरीके से यहाँ पर उसका माहौल उड़ाया जा रहा है। ज्यादातर बिल्डर यहाँ पर बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के परेशान दे रहे हैं और लोग वहाँ पर रह रहे हैं, और जब वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं तो उनको वहाँ पर उतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि हाँ वो पछताते हैं वहाँ रहकर। तो कहीं ना कहीं नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसर जान बूझ कर इस तरीके से बिल्डरों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि बिल्डर आधा अधूरा काम कराता है, बायर को मकान दे देता है, फ्लैट मालिकों को जो है मकान दे देता है, और वो लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। मोटी एक रकम जो है नोएडा विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों को पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से ये बिल्डरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। हालांकि अभी अगर हम महीने भर पहले की बात करें तो रजिस्ट्री को लेकर 3700 करोड़ रुपए का नुकसान, जो राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ था, उसके खिलाफ करीब 26 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, बिल्डरों को जो है एक राहत दी जाती है, ना ही बिल्डरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाती है। जब सरकार बदली थी, नए सीईओ आए थे, तो उम्मीद जगाई गई थी कि जो नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिनके पास नोएडा का भी चार्ज है, ग्रेटर नोएडा का भी चार्ज है, वो कम से कम इन बदमाश बिल्डरों पर लगाम लगाएंगे, लेकिन अब उनके भी हाथ से बात निकलती नजर आ रही है। एक जरा सी भी बिल्डरों के ऊपर कोई कार्रवाई वो नहीं कर पाए, जिससे साफ जाहिर होता है जो बिल्डर लॉबी है वो पूरी तरीके से हावी है प्राधिकरणों पर। प्राधिकरण में जिस तरीके से वो काम कराना चाहते हैं वो काम उनका होता है, इसी वजह से जो इतने सालों से जो प्रॉब्लम्स पैदा हुई थी बिल्डरों की वजह से, वो उसका जो हल नहीं निकला, वो उससे जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्राधिकरण के अफसर आने। जी दानिश, एक सवाल ये कि क्या वाकई बिल्डर्स की लॉबी प्राधिकरण पर हावी है या फिर इन दोनों की मिलीभगत से ये सब चल रहा है? देखिए, ये दोनों एक गठजोड़ के रूप में काम करते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि हाँ प्राधिकरण के जो कुछ अफसर ऐसे बैठे हुए हैं जो तनख्वाह तो सरकार देते हैं लेकिन काम बिल्डरों को करते हैं। जब बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज कराने का नंबर आता है तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती। बिल्डर बिना परमिशन के जब फ्लैट बना लेता है, एफआईआर बढ़ाकर और उसको बेच देता है, आम बायर उसको लूट लेता है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। मानो ये कह सकते हैं कि आंख बूझे हुए प्राधिकरण पूरी तरीके से आम लोगों को लूटता हुआ देखता रहता है, क्योंकि बिल्डर जब एक बार बिल्डिंग बना लेता है और उसको बेच देता है तो कहीं ना कहीं उसका जो पैसा होता है वो सीधा सीधा आम जो लोग हैं उनपे, उनका पैसा उसमें लगा होता है, तो बिल्डर का तो काम हो जाता है, उनको प्राधिकरण कहीं ना कहीं उनके ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान रहता है। तो ये जो गठजोड़ है, जो ये माना जा रहा था कि सरकार, नई सरकार बनने के बाद ये गठजोड़ टूट गया है, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये गठजोड़ कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है।
बहुत शुक्रिया दानिश अजीज इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा की हम बात कर रहे हैं, नोएडा में एक नहीं एक से बढ़कर एक बदमाश बिल्डर हैं जो निवेशकों को दाना डालकर फंसा रहे हैं।